बैकग्राउंड देख के समझ में आ गया होगा कि कहीं और हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि घर चेंज करने वाली हूँ, तो फाइनली घर चेंज कर रही हूँ, कर ही दिया है, एडवांस वगैरह दे दिया है। कल सुबह गृह प्रवेश करूँगी, जो मतलब दूध खौलाना रहता है ना, पकाना, वो सब कल करूँगी, भगवान का दिया है यहाँ पे। तो एक बार मेरा एंट्री देख लीजिए घर, यहाँ पे विंडो दिया है, हॉल है ये पूरा, जैसे वहाँ से पूरा हॉल है, और यहाँ से एंट्रेंस है बेडरूम के लिए और किचन के लिए, और ये बाथरूम दिया हुआ है। लाइट्स नहीं है, लाइट्स वगैरह फिटिंग्स कराने हैं। ये बाथरूम है, अभी थोड़ा बहुत किया है क्योंकि कल सुबह 4 बजे आना है, अंधेरा रहेगा, कुछ मत मानिएगा। कल आपको अच्छे से दिखा दूँगी। ये किचन है, और बहुत ही दिनों के बाद फाइनली मुझे थोड़ा बड़ा किचन मिल गया। और ये है बेडरूम, लाइट्स वगैरह नहीं है बिल्कुल, मतलब बहुत ही शाम हो चुकी है ना, तो फिर लाइट्स नहीं है। कल सुबह आप लोग को पूरा लुक दूंगी। तो किचन बहुत ही मतलब ठीक है मेरे लिए, वो छोटे से किचन से ये बहुत ही मस्त है। ऊपर में स्टोरेज भी देखे हैं, तो अभी साफ़ सफाई कर लिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह, जो शॉपिंग है ना, जो नए घर में जाने के टाइम पर सब नया लेते हैं ना, वो सब है। अभी जाके सब सामान भी लाऊंगी थोड़ा बहुत, जो कल सुबह के लिए चाहिए। 7 बजे तक चतुर्थी थी तो कुछ नहीं रखा, अभी लेके आके इंडक्शन जो भी है सब लेके आके अभी रख देंगे। और मैं नाइटी पहन के हूँ, मेरा ड्रेस वहाँ लटक रहा है मुझे, अभी ड्रेस पहन के घर जाऊंगी और फिर आऊंगी। तो कल पूजा होने के बाद आप लोगों को पूरा लुक दे दूँगी, फ़ैन वगैरह सब फिटिंग करने हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा सेट होने में, पर 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। कल ही शिफ्ट नहीं होने वाले हैं हम लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मीटिंग आ गया है 2 दिन, और मंगलवार को खाली नहीं करते, तो हम लोग गुरुवार को शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो फाइनली बहुत खुशी हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ ना कल सुबह, अभी घर जाके सब सफाई वगैरह कर लेती हूँ, कल की तैयारी कर लेती हूँ, फिर कल सुबह आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, और जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि नए घर में आज दूध पकाना था, पूजा वगैरह करना था, तो सब कुछ कर लिया है। और सुबह ही आ गए थे हम लोग, कितने बजे आए थे, 5 बजे तक हम लोग आ गए थे, उठ गए थे, और मैं हूँ किचन में, दूध मैंने पका लिया है, अभी दूध गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, पी के फिर घर चलते। दिया है तो दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते, तो दिया जब तक है तब तक रहेंगे, और फिर रात को आएंगे। जिस दिन दूध पकाते हैं उस दिन यहीं पे, मीन्स रात को यहीं पे उसी घर पे सोना पड़ता है, एक नींद करनी पड़ती है, तो फिर रात को आ जाएंगे। इंडक्शन लेके आई थी, तो देखिए किचन दिखा रही थी, यहाँ पे दूध चल दिया है, और यहाँ पे दूध चल दिया है, यहाँ पे गोमूत्र रखी हूँ पूरे घर में छिड़कने के लिए, छिड़क दिया है ऑलरेडी, सिंह हल्दी वगैरह सब पूरा है, इंडक्शन दूध गर्म हुआ है। और ये है बेडरूम, हॉल में मेटल है, और ये बाथरूम जैसे आप लोगों को बताया। तो कैसा लगा मेरा नया घर, 1 BHK ही है, अर्जेंट में 1 BHK मिला, और मुझे लिखित के स्कूल के पास भी मिल गया, तो बहुत खुशी हो रही है कि ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। फूट रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो गया, इसको कभी रख लेती हूँ। और उधर ऊपर में स्टोरेज देखे तो वहाँ पे क्या जो भी हमारे डब्बे वगैरह हैं वो रखेंगे। भरत आ गया, तो हो गया फाइनली हमारा गृह प्रवेश, खुश हूँ। अभी आज नहीं, गुरुवार को शिफ्ट हो जाएंगे, तो चलिए दूध पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। गाइस, तो मैं आज कोई क्या काम कर रही हूँ, कोई शूट नहीं कर रही हूँ, जस्ट जब थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आप लोगों से बात कर ले रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 3:30 दोपहर के, और सच बता रही हूँ पूजा करने के बाद दिया था तो वहीं पे सो गए थे, दिया रहने के टाइम पे दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, और बहुत ही अच्छी नींद आई, बहुत मतलब बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी नींद आई।
मस्त सोए और फिर यहाँ आए हम लोग 8:30-9 बजे कुछ आए। फिर मेरे हस्बैंड का मीटिंग था तो वो चले गए और मैं फिर सो के जस्ट अभी 3 बजे उठी हूँ। लिखित को डोसा बना के देती थी सुबह, लिखित खा के सो गया। उसको फुल फीवर है, स्कूल भी नहीं गया है पता नहीं कब, सैटरडे को शाम तक बहुत अच्छे से था। सडनली उसको कफ भी हो गया और फीवर भी बहुत तेज बढ़ गया है। तो आज सोची थी कपड़े कर लूँगी, करंट नहीं है और बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब हो रखा है। और ये देखिए यहाँ पे बोरी है ना, ये किचन का सामान थोड़ा बहुत, मीन्स आधा भी नहीं, 10% कुछ ऐसी बोरी में डाला है। और बहुत सारा पैकिंग करना है, बहुत बहुत सारा ऐसे टाइम है। कपड़े वगैरह पैक कर लूँगी, बाकी सब तो पैकर्स एंड मूवर्स निकाल के लेके जाएंगे, पर किचन के सामान अभी सब नए नए तोड़ फोड़ कर देंगे और सब भरे हुए हैं, दाल मतलब सब भर के हैं, इसलिए उसको एक पैड डब्बे में रख के अच्छे से पैक करके हैंडल विद केयर लिख के बताना पड़ेगा उन लोगों को। और अभी उठी हूँ तो खाना बना रही हूँ सुबह से। खाना मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, केला खाया है बस। बहुत अच्छी नींद हो गई है, भरत खेल रहा था उसको खेलने छोड़ दी, मैं और लिखित आराम से सो गए। और लिखित अभी भी सो के मेडिसिन दी थी तो बना के आ रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी और चावल बना रही हूँ, आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल। थोड़े दिन वीडियोस शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पता है आप लोगों को हाउस शिफ्टिंग कोई ईजी काम नहीं है, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है और साथ में अगर क्या देखिए भरत रहेगा तो और जल्दी बढ़ जाता, और ज़्यादा बढ़ जाता है काम। तो ओ बैगन मम्मक देगा, ये देखिए बैगन, आपको चाहिए बैगन? आ कहाँ धो के दिया है उसको बैगन, था कि वो थोड़ी देर चबाते बैठेगा। और ये पूरे निकालने हैं मुझे फिटिंग्स वगैरह। तो चलिए खाना बन जाता है, फिर खाती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर थोड़ा टाइम मिलेगा ना फ्री आप लोगों से बात करने आ जाऊँगी। कोई वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, मतलब नॉर्मली क्या काम कर रही हूँ, पर हाँ बात करने आ रही हूँ। अच्छा लगता है बात करना आप लोगों से, मतलब क्विक अपडेट हो जाता है बात करने से क्या क्या किया है। तो चलिए फिर मिलती हूँ। वेलकम बैक गाइज। तो आज है थर्सडे और टाइम नहीं पता, सीरियसली नहीं पता क्योंकि घड़ी निकाल दे। तो जैसे आप देख सकते हैं पूरा घर पूरा खाली कर दिया है। भगवान के पास कहते हैं कि दिया लगा के जाना चाहिए, तो दिया लगा दिया है, झाड़ू पोछा करके दिया लगा के जाना चाहिए कहते हैं। तो पूरा घर खाली कर दिया है, ये थोड़े बहुत सामान बच गए जो मैं लेके जाऊँगी और भगवान के सामान जो है वो लेके जाऊँगी, बाकी सब तो वैसे ही है। तो
ये मेरा आखिरी वीडियो है ये घर से। अब आप लोग को नए घर से नए नए वीडियोज़ मिलेंगे, तो चलिए यहीं पे अपने छोटे से 3-4 दिन के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स को ज्वाइंट करके एक वीडियो बनाया। होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और वहाँ जाने के बाद पैकिंग वगैरह सब सेट होने के बाद अनपैकिंग वगैरह फिर वीडियोज़ करूँगी। तब तक के लिए बाय। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।